नमस्कार, मैं चंचल ठाकुर और आप देख रहे हैं बीएमआर भारत टीवी न्यूज। तो आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। मेड़ता विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार भगवती देवी प्रतिनिधि घनश्याम मेघवाल से की खास बातचीत, जानिए क्या बोले घनश्याम मेघवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं माधव प्रसाद बीएमआर भारत टीवी से, और आज हम पहुंचे हैं मेड़ता विधानसभा। नागौर जिले की अगर बात करें तो लगभग 10 विधानसभा क्षेत्र है, और नागौर किमसर जैन देगाना होते हुए आज हम पहुंचे हैं मेड़ता। मेड़ता से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो बड़ी संख्या में दावेदारों ने अपनी दावेदारी जताई है, तो वहीं कांग्रेस से भी बड़ी संख्या में दावेदारी जताई है। मौजूदा विधायक की बात करें तो यहाँ से मौजूदा विधायक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी से इंदिरा बावरी है, और इस बार मेड़ता विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के जो दावेदार हैं उनमें से भगवंती देवी हमारे विधानसभा में सक्रिय है, और भगवंती देवी की अगर बात करें तो आज भगवंती देवी फिल्ड में गए हुए हैं, जनता के बीच है और डोर टू डोर कर रहे हैं। भगवंती देवी के प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ भागीरथ जी, घनश्याम दास जी हमारे साथ है, और घनश्याम दास जी से बात करेंगे। इनका पहले तो राजनीतिक करियर, घनश्याम दास जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। घनश्याम दास जी, आपका राजनीतिक करियर? मेरा राजनीतिक करियर बचपन से हिंदी राजनीति का शौक रहा और लगभग जनता से जुड़ा हुआ था, और राजनीतिक में सबसे पहले मैंने वार्डगंज का चुनाव लड़ा। अच्छा। और वो मेरे काकी साहब लड़ गए, और उससे मेरी शुरुआत, और अच्छे वोट मेरी पिता की शादी थी, और शादी के टाइम मेरे काकी जी को वार्डगंज के चुनाव में खड़ा किया और अच्छे वोटों से जिताए, और उस दिन से मुझे लगा कि भाई मैं भी मेरे भविष्य में मेरी विशेष को राजनीति में आगे लाना चाहता हूँ। बात करें राजनीति में आना बहुत आसान है, सफ़ेद कपड़ों के साथ राजनीति में आती है, लेकिन राजनीति में घुसने के बाद दाग लग जाते हैं, क्या कैसे विचार है कि राजनीति एकदम साफ सुथरी है? नहीं, अच्छी तरह से करें तो राजनीति साफ सुथरी चलती है। राजनीति के ऐसा नहीं है कि जनता के बीच रहना, जनता का काम करना, ठीक है, यही राजनीति है। वो राजनीति हमें नहीं करनी जो जनता के पास हम जाए ही नहीं और उससे मिले ही नहीं, हमें तो जनता का काम करना और जनता के बीच में बने रहना। अच्छा घनश्याम राज जी, बात करें आपकी मेड़ता सिटी में आप जा रहे हो, जनसंपर्क कर रहे हो, आपकी धर्मपत्नी आपके साथ है, आपकी धर्मपत्नी यहाँ से दावेदारी भी चला रही है, जनता से मिल रही है, मेड़ता सिटी की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? मेड़ता सिटी की सबसे बड़ी समस्या हमारे होटल की समस्या है। सबसे पहले तो हमारे होटल में एक महिलाओं के लिए कॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, कॉलेज हमारे लगभग हमारे एरिए के अंदर समथिंग 50-60 हज़ार की आबादी, उसके अंदर एक महिला की कॉलेज है, तो हमारे यहाँ से 20 किलोमीटर उसके पिता उस बच्चे को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन आते हैं और शाम को वापस लेने के लिए वो जाते हैं। तो मैं सबसे पहले ये मुद्दा समझता हूँ मेरे एरिया का कि महिलाओं के लिए मेरी विषय जो महिला कैंडिडेट है, तो मैं और मेरी मिसेज ये कहती है कि किसी बच्चे को बाहर जयपुर या अजमेर नहीं जाना है, और उनकी यहीं एक कॉलेज है। रीजनल विधानसभा सीट और आपके परिवार से बात करें, जिस तरह से आपने अपनी पत्नी को पढ़ाया है, लगातार पढ़ते आ रहे हैं, उन महिलाओं को क्या कहना चाहोगे या उन परिवार के सदस्यों को क्या कहना चाहोगे जो आज उन बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते? मेरी जो सिस्टर जो मिसेज है, मेरी मिसेज की ज़िंदगी में एक ही तमन्ना थी कि मैं पढ़ूँ। मेरी शादी थी तो मेरी मिसेज 5वीं पास थी, तो मैंने कहा आप पढ़ना चाहते हो तो उन्होंने कहा मैं पढ़ूंगी, तो फिर मैंने उनको 6ठे में एडमिशन करवाई, फिर मैंने 6ठे, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कर दी, और 12वीं करने के बाद में तो राजनीति में पहले भी आ गई, तो सबसे पहले उनको मैंने चुनाव लड़ाया, तो फिर वो अपनी एरिया में फील्ड में घूमी और अच्छे वोटों से जीती हुई। अब बात करें जिस तरह से मैं मेड़ता सिटी में हम भी फीडबैक ले रहे हैं, और समस्या की बात आती है कि जैतारण रोड पर तो एक टोल है और वो टोल अवैध तरीके से वसूल जा रहा है, मौजूदा विधायक ने आवाज़ उठाई है, पर उन्होंने नहीं उठाई है क्योंकि सड़कों का हाल बिल्कुल बद से बदतर हालात में हो रही है, आए दिन हादसे हो रहे हैं और अन्य सड़कों की भी स्थितियाँ इसी प्रकार की हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखो उस रोड पर टोल है अवैध कर रहे हैं, तो उनका खामियाजा उसको कितना बढ़ेगा। रही हमारे मेड़ता की रोड का, जो मेड़ता की रोड है, मेरी मैडम ने बहुत सारा प्रयास किया, प्रयास करने के बाद में हमारी जो हमारी मौजूदा सांसद है दिया कुमारी जी, और मेरी मिसेज के कहने से और यहाँ की आम तमाम जनता के कहने से
और उन्होंने ये रोड स्वीकृत कर दी और जल्द दिनों में टेंडर होकर ये रोड बनना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अपनी बात करें कि राज्य सरकार अपने कार्यकाल के बिल्कुल अंतिम सत्र में जाकर बड़ी बड़ी योजनाएं निकाली है या यूं कहते हैं कि रेडियो माइटी की, तो सरकार बनते ही काम क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि उस टाइम तो वो सत्ता रहती है और वो मलाई चाटने के लिए बैठे रहते हैं 3-4 साल तो आराम से मलाई चाटते हैं, उसके बाद भी उनको पता है हमारी सरकार नहीं रहेगी, सरकार जा रही है तो फिर वो कुछ ना कुछ बहाने करते हैं, कुछ ना कुछ जनता को छलावा दिखाते हैं, तो वो जनता कभी बर्दाश्त नहीं। अच्छा जी, और है कि माननीय अशोक गहलोत ने भी एक बड़ी सवाल दी थी 19 जिले, जो आपने मैंने भी नहीं सोची कि 19 जिले में नहीं थे, लेकिन आज मेरठ सिटी को देखें तो एक बहुत पुराना शहर है, एक बड़ा नाम है, राजा महाराजा के समय में ये जिला हुआ करता था, लेकिन क्या कमी रह गई मेरठा वासियों में कि जिले के लिए प्रॉपर तरीके से आवाज़ नहीं उठा पाई? क्योंकि मेरठा से और रिया से हमारे प्रधान बीजेपी के हैं, तो हम लोगों ने सारे पंचायत समिति सदस्यों ने मिलकर और लेटर भी लिखे प्रधान अपने जो मुख्यमंत्री है उनको, पता नहीं यहाँ के जो वर्तमान ये प्रधान बीजेपी से होने के नाते उन्होंने सोचा है कि हमें भी अपने फायदा होगा नहीं, इसलिए नहीं देखो, बाकी हमने मांग पूरे जोरों शोरों से उठाई थी, सारे पंचायत समिति हमारे 35 पंचायत समिति सदस्य बेटा के उन्होंने और रिया वाले उनका भी उठाई। अंत में आप मेरठ वासियों को क्या कहना चाहिए? मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र सभी वासियों को आज अपने कृष्ण जन्माष्टमी की सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इतना कहकर मैं मेरे बारे में नाम। तो ये थे यहाँ से घनश्यामदास जी, इनका कहना है कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी हम पर विश्वास करे और हमें यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलती है हमारे द्रौपदी इनकी द्रौपदी को, तो मेरठा सिटी की वो तमाम समस्याओं का निजात किया जाएगा, उन समस्याओं को हल किया जाएगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि मेरठा विधानसभा सीट इस बार किसके खाते में आती है और यहाँ से जनता किसे जिताती है। देखते रहिए बीएमआर भारतीय, मैं मानव प्रसाद, मेरे सहयोगी मनोज के साथ।